नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो मेजरमेंट की आज ये पांचवी क्लास है, फिफ्थ क्लास है। और अपनों ने जो चैप्टर पढ़ लिए थे या जो भाग पढ़ लिए थे, इसके अंदर MI टाइप पढ़ लिया, रेक्टिफायर टाइप पढ़ लिया, PMMC पढ़ लिया, गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो भी पढ़ लिया, इंडक्शन टाइप भी पढ़ लिया, हॉट वायर भी आप लोग पढ़ चुके हो। आज अपने जो बात करेंगे वो थर्मोकपल के बारे में बात करेंगे, और साथ ही अपने एक चीज़ और देखेंगे कि एम्पियर किसी भी उपकरण जो होता है उसको एम्पियर मीटर की तरह किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एम्पियर मीटर कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास एम्पियर मीटर है तो उसको आप लोगों को अगर वोल्ट मीटर चेंज करना है कि वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करना है तो क्या करेंगे, या वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की तरह यूज़ कैसे करेंगे, या उनकी रेंज को कैसे बढ़ाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है आज। तो अपने जो पहले अपने जो अगला जो इसका जो सेवन्थ नंबर टॉपिक जो था, थर्मोकपल। थर्मो को हिंदी में क्या बोल सकते हो, ताप, और कपल का मतलब क्या होता है, ताप युग्म। तो इसके अंदर काम क्या किया जाता है कि दो अलग अलग जंक्शन तैयार की जाती है, कि एक जंक्शन को तो हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और दूसरे को क्या रखा जाता है, लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो उनकी वजह से क्या होता है कि इनमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र जो होता है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो गर्म स्थान जो होता है या गर्म जंक्शन से ठंडे जंक्शन की ओर होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होगा यहाँ पे, और वो जो जो धारा या जो चलेगी वो उसका मेजरमेंट अपने क्या करेंगे, उपयंत्र से करेंगे। तो अब यहाँ देखना कि जैसे यहाँ इस तरीके से ये क्या है, एक जंक्शन है, ठीक है, यहाँ दो जंक्शन होगी, और इस वाले भाग को अपने काम क्या करते हैं, ठीक है, और ये एक मैंने हीटर लगाया जिसको आप लोग यहाँ सप्लाई दे रहे हो, यहाँ मैं वी लिख देता हूँ। यहाँ एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है, क्योंकि इस जंक्शन को गर्म करना है और एक जंक्शन को क्या करना है, अपने को ठंडा रखना है। अब यहाँ इनके अंदर जो उपयंत्र है वो जोड़ा जाता है, यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ PMMC टाइप होगा, ये भी धारणा मूविंग कोयल टाइप होता है ये इंस्ट्रूमेंट, तो इसको सीधा डीसी लिख देता हूँ। अब ये जो जंक्शन जो होती है, या जो जंक्शन जो होती है, बनाई किसकी जाती है, तो या तो काम क्या किया जाता है कि लोहा निकल का या लोहा कांस्टेंटन का, इनका इस्तेमाल किया जाता है, कि दोनों का जो धातुएं जो होती है इनका तापीय प्रसार गुणांक जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसा आपने देखा होगा लोहा तो गर्म होने पर फैलता है, तांबा भी फैलता है, निकल जो होता है उसमें कम ये गुण होता है फैलने का। तो यहाँ जो थर्मोकपल जो होता है, ताप युग्म जो बनाया जाता है, थर्मोकपल के अंदर ध्यान रखना, एक तो लोहा प्लस निकल, या निकल की जगह आप कांस्टेंटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या प्लेटिनम वगैरह इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जंक्शन को तो आप लोग काम क्या करोगे, कम टेम्परेचर पर रखोगे, और दूसरी जंक्शन को क्या रखेंगे, हाई टेम्परेचर पर रखेंगे। तो उसकी वजह से काम क्या होगा कि इनके अंदर जो धारा का जो प्रवाह होगा वो गर्म जंक्शन से ठंडे जंक्शन की ओर होगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी पता चल चुकी होगी कि जो ऊष्मीय सिद्धांत पर जो युक्तियाँ काम करती हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल क्या किया जाता है, एम्पियर मीटर बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने हॉट वायर के अंदर पढ़ा था कि हॉट वायर के अंदर मैंने आपको बताया था जो H बराबर जो होता है वो आई स्क्वायर आर टी होगा, इसी तरीके से ध्यान रखना कि इनके अंदर भी क्या होगा, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ ये चीज़ होगी। अब एक चीज़ और देखो, इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये ऊष्मीय या तापीय सिद्धांत पर काम करेगा। इसके अलावा ध्यान रखना इस पर सीबेक का सिद्धांत भी काम करता है, कि थर्मोकपल सीबेक के सिद्धांत पर काम करता है। कि वो सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो अलग अलग जंक्शन आप लोग देखोगे तो वहाँ ऊष्मा का जो ट्रांसफर जो होगा वो, ठीक है, और उस ऊष्मा का ट्रांसफर जो होगा अधिक जंक्शन से, अधिक गर्म जंक्शन जो होगी वो ठंडे जंक्शन की ओर होगी। और साथ में क्या होगा कि जब अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे ना, तो उनके बीच में EMF उत्पन्न होगा। तो ये इसका जो सीबेक का सिद्धांत है, ठीक है। और फिर ध्यान रखना कि इसके अंदर कुछ अभिलक्षण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बातें नहीं है। एक तो ये AC और DC दोनों पर काम करेगा, दोनों सप्लाई पर क्या करेगा, काम करेगा। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये RMS मान रिप्रेजेंट करेगा। फिर ध्यान रखना कि इसकी जो स्केल्स होगी वो, ठीक है, वो क्या होगी, अरैखिक होगी, ठीक है, यानी कि इसको 1.11 के गुणा में संशोधित कैलिब्रेशन किया जाता है इनका। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि RMS मान बताएगा अरैखिक होगी। इसके बाद जो डिफ्लेक्टिंग टोरक होगा वो क्या होगा, धारा का स्केयर चलेगा। एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो होते हैं बेसिकली क्या किया जाता है, एम्पियर मीटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। यहाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा पॉइंटर दिखा देता हूँ। तो थर्मोकपल में बस दो चार बातें आपको काम की याद रखनी है,
किसी पे के सिद्धांत पर काम करेगा या धारा के उसमें सिद्धांत पर काम करेगा, एसी डीसी दोनों सप्लाई पर काम करेगा। और ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो अलग अलग जंक्शन को, जब दो जंक्शन को आप अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो उनके मध्य क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, बस इतनी ही बातें इसके अंदर। तो थर्मोकपल के बाद में एक चीज़ और याद रखना है अपने को, तो थर्मोकपल ये सात प्रकार के जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, सभी के सभी धारा या वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अपने जो बात करने वाले हैं, यहाँ से सवाल इम्पोर्टेंट बनते हैं कि किसी भी उपकरण को आपको एम्पीमीटर बनाना है तो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर उसको वोल्टमीटर की तरह यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे भले ही आपके पास पीएमएमसी उपकरण हो, चाहे आपके पास एमआई हो, उसको आप एम्पीमीटर कैसे बनाएंगे या वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। तो आज अपने जो बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी जो उपयंत्र होगा, एम्पीमीटर की तरह उपयोग। ठीक है, और एक अपने जो बात करेंगे इसके अंदर वो करेंगे वोल्टमीटर की तरह यूज। तो आप लोग एक बात बताओ, एम्पीमीटर आपने पढ़ा था कि एम्पीमीटर क्या होगा, तो एम्पीमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होगा। तो इसका मतलब एक तो आपके बात ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसके अंदर जो कुंडली लेंगे, जो कॉइल आप लोग बनाओगे, वो तो मोटा तार कम टर्न की होगी। या एक काम और करेंगे कि कुंडली का रेजिस्टेंस कम करने के लिए समांतर क्रम के अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे जो क्या होगा, कम मान का होगा। तो दो तरीके इसके याद रखने हैं। पहला तो क्या है कि जो कॉइल्स होगी, कॉइल क्या करेंगे, मोटा तार कम टर्न की बनाएंगे, यूज करेंगे। दूसरा क्या होगा, जो कॉइल्स होगी, कॉइल के समांतर में क्या करेंगे, एक निम्न मान का क्या जोड़ देंगे, निम्न मान का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, किसके समांतर में। तो कुंडली का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें आपको यह बात याद रखनी, अगर इसी को अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है, ठीक है, तो वोल्टमीटर में क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो कुंडली जो आप लोग बनाओगे वो पतला तार और क्या होगी, अधिक टर्न की होगी। तो इसमें क्या होगा, दूसरी बात क्या है कि अगर इस मीटर को आप लोग काम क्या कर सकते हो कि जो कोइल जो है उसके सीरीज के अंदर क्या कर सकते हो, हाई रेजिस्टेंस भी जोड़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो वोल्टमीटर की तरह, कि कोइल के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। तो ये दो मेथड है आपके पास ध्यान रखना, कि एम्पीमीटर जो है उसको आप लोग उसको एम्पीमीटर की तरह किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और वोल्टमीटर की तरह किस तरीके से। तो एक बार आप इसको ढंग से देख लें, तो इसमें मोटा तार होगा कम टर्न की होगी, इसमें पतला तार अधिक टर्न की, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना है। दूसरा काम क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस कम करने के लिए समांतर में कम मान का रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हो, जबकि इसमें बढ़ाने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। अब अपने बात करते हैं कि कोई अगर आपके पास एम्पीमीटर है उसको आपको किस में चेंज करना है, वोल्टमीटर में, या वोल्टमीटर है उसको किस में चेंज करना है, एम्पीमीटर में। तो अब जो यहाँ जो आपको मैं बात बताने वाला हूँ इन पर न्यूमेरिकल अपने यहाँ नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल की तो मैं आपको एक क्लास करवाऊँगा जिसके अंदर एनर्जी मीटर के न्यूमेरिकल करेंगे और एम्पीयर और वोल्टमीटर की प्रासवर्दी या इसको चेंज करने में करेंगे। तो अब अपने जो बात करेंगे कि एम्पियर जो मीटर जो होगा इसको किस में चेंज करना है, वोल्टमीटर में, और जो वोल्टमीटर होगा इसको किस में चेंज करना है, एम्पियर मीटर में। ठीक है, तो यहाँ इसको देखो दो अपने बातें करेंगे इसके अंदर, एक तो अपने पास एम्पियर मीटर है इसको किस में चेंज करना है, वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और वोल्टमीटर का क्या होता है, ज़्यादा होगा। एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि एम्पियर मीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एम्पियर मीटर की जो कॉइल्स होगी, कॉइल के श्रेणी में क्या करेंगे, उच्च क्या करेंगे, आर जोड़कर। वोल्टमीटर को क्या करना है, एम्पियर मीटर में चेंज करना है तो रेजिस्टेंस का मान कम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो कॉइल्स होगी, कॉइल के समांतर में क्या करेंगे, एक निम्न मान का क्या कर देंगे,
आर जोड़कर। तो इस तरीके से इनमें क्या किया जाता है, एम्पियर मीटर को वोल्टमीटर में और वोल्टमीटर को किस में चेंज किया जाता है, एम्पियर मीटर में। तो अभी आपने जो चीज़ें पढ़ी है यही चीज़ अब अपने आगे बढ़ने वाले हैं, एम्पियर मीटर की रेंज को वृद्धि कैसे की जाती है और वोल्टमीटर जो होता है उसकी रेंज को कैसे वृद्धि करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब अपने करने वाले हैं जो चीज़ कि एम्पियर मीटर की प्रास कैसे वृद्धि करेंगे और वोल्टमीटर की किस तरीके से प्रास वृद्धि करेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं एम्पियर मीटर प्रास वृद्धि। प्रास को अंग्रेजी में क्या कहते हो, रेंज, रेंज एक्सपेंशन, ठीक है। प्रास वृद्धि, वृद्धि को क्या मतलब होता है, एक्सपेंशन करना, मतलब उसको बढ़ाना। एम्पियर मीटर की प्रास वृद्धि और यहां लिख देते अपने वोल्ट मीटर की प्रास वृद्धि। तो एम्पियर मीटर की प्रास वृद्धि करना है तो इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि समांतर क्रम में एक निम्न मान का रजिस्टर जोड़ेंगे ताकि वो करंट को बाईपास कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या, हम क्या करेंगे कि निम्न मान का क्या कर देंगे, निम्न मान का आर समांतर में जोड़कर, जो कॉइल होगी उसके समांतर में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा आपने पढ़ा होगा सिटी, तो सिटी के द्वारा भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये आपने ट्रांसफार्मर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसकी पूरी डिटेल दी थी किस तरीके से इसको आप लोग सिटी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वोल्टमीटर की अगर आपको प्रास वृद्धि करनी है तो श्रेणी में क्या करेंगे, उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, श्रेणी में उच्च मान का आर जोड़कर, ठीक है। दूसरा तरीका इसको अपने क्या कर सकते हैं, पिट्टी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या पिट्टी द्वारा भी क्या कर सकते हो, इसकी रेंज को वृद्धि कर सकते हो। तो अब आपको एक चीज़ ये बात भी याद रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनमें एक तो सिटी आता है एक पिट्टी आता है, ये एम्पियर मीटर की रेंज को वृद्धि करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वोल्टमीटर की भी किया जाता है और वाट मीटर की भी करेंगे। ये अपने में वाट मीटर पहले पढ़ेंगे फिर उसमें अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी। अब इसका मान कैसे निकालेंगे कि, ठीक है, कि निम्न मान का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ये जो निम्न मान का जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है श्रेणी में, सॉरी समांतर में, इसको क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है, और यहाँ जो सीरीज में अपने जोड़ेंगे इसको मल्टीप्लायर या वर्धक कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो पहले अपने एक काम करते हैं, अब अपने गणना करेंगे शंट की, कि शंट का जो मान जो होगा वो कितना होगा, और ये यूरेका या मैग्नीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अपने करेंगे शंट की गणना। तो यहाँ आपको ओम का नियम पता होना जरूरी है, जैसे ये मीटर की कॉइल है और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आरएम है, और समांतर क्रम में आपने काम किया कि एक रेजिस्टेंस जोड़ा जिसको आरएसएच लिखेंगे, यहाँ टोटल करंट होगी और इसमें जो करंट जा रही है वो आईएम होगा, इसके अंदर जो करंट जा रही है वो आईएसएच होगा। अब अपने को आरएसएच का मान ज्ञात करना है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन समय इन दोनों जो समांतर में जुड़ी हुई है इन पर वोल्टेज का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीएसएच जो होगा और जो VM जो होगा दोनों बराबर होगा, और V बराबर क्या होता है, IR होगा। तो इसके अंदर जो I करंट जा रही है उसको ISH लिखेंगे, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो RSH होगा। इसी तरीके से इसके अंदर करेंगे IM RM, अपने को RSH चाहिए। तो यहाँ से एक फार्मूला तो आपके पास जो बन जाता है वो बन जाता है ये, तो एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला देखो किस तरीके से बना सकते हो, इस ISH का मान याद करके कि I जो होगा वो क्या होगा, IM प्लस क्या होगा, ISH होगा, और यहाँ से ISH अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, IM माइनस क्या कर देंगे, I कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ होगी अपने को, यहाँ I माइनस क्या होगा, IM होगा। अब इस ISH की जगह आप लोग ये वैल्यू भी तो रख सकते हो, इस वैल्यू को आप लोग यहाँ रखें तो IM RM होगा और I माइनस IM होगा। अब यहाँ से IM कॉमन निकाल लें आप लोग, तो IM होगा ऊपर और नीचे ये RM होगा, IM को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, I अपॉन में IM माइनस वन बचेगा, IM से IM कैंसिल होगा, और इसको बोल सकते हो आप लोग धारा गुणक, ठीक है, और इसको N से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो N माइनस वन। तो जो शंट का जो मान होगा दो तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, जहाँ जो एन जो होगा वो क्या होगा, आई ए पन में क्या होगा, आई एम।
तो ये तो देखो पहले आपको मीटर में देगा कि इतनी 0 से 50 एम्पियर की वो धारा मेजरमेंट कर रहा है, इसका उसका प्रतिरोध आपको 70 एम्पियर की धारा मेजर करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो 70 एम्पियर की धारा जो मेजर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 70 एम्पियर की करंट आ रही है और इसमें 50 आ रही है, तो इसका मतलब शंट धारा का मान कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। खोलगा अब एक काम और करना है। तो यहाँ से तो आपको पता चल चुका होगा कि शंट का जो मान जो होगा वो दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक तो RSH होगा, वो IM RM में क्या होगा, ISH होगा। दूसरा जो तरीका जो होगा इसका कि RSH जो होगा वो RM/N-1 भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब वोल्टमीटर की वृद्धि करनी है तो इसके लिए आप लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लायर होगा या वर्धक जो होगा उसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे किस तरीके से वो होगा। तो इसमें अभी आपको मैंने बताया था कि जो सीरीज में क्या किया जाता है कि एक रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। जैसे ये मान लिया कि ये कुंडली का रेजिस्टेंस होगा और ये मैंने एक सीरीज में जोड़ दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, IR RSE। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ दोनों के अंदर एक जो चीज़ कॉमन होगी वो क्या चीज़ कॉमन होगी, करंट का जो मान जो होगा दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। लेकिन आई बराबर जो होगा वो क्या होगा, VA/R होगा। दोनों में करंट का मान सेम होगा, जैसा यहाँ वोल्टेज का मान सेम था उसी तरीके से यहाँ इन दोनों में क्या होगी, करंट की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। तो इसके अंदर देखो, इसका अगर करंट नहीं, इसके अंदर करंट का मान निकालना है तो देखो क्या करेंगे, सॉरी इस पर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, VM होगी, और यहाँ इसके अंदर क्या होगा, VSE होगा। इसी तरीके से देखो कि दोनों में करंट का मान वैल्यू जो बराबर होगी, ठीक है। तो अब अपने काम क्या करेंगे कि यहाँ से इस RSE जो है उसके क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि इसका जो मान जो होगा वो किस तरीके से मिलेगा। तो वही सेम मेथड आपको इस्तेमाल करना है, यहाँ आपने वोल्टेज का इस्तेमाल किया था जबकि यहाँ करंट का इस्तेमाल करना है। तो I बराबर जो होगा वो V/R क्या होगा, R होगा, ठीक है। तो यहाँ VM/RM होगा और यहाँ अगर अपने करेंगे तो VSE क्या होगा, RSE होगा, इस तरीके से होगा। अब अपने को काम क्या करना है, इस RSE जो है इस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरमेंट करनी है। तो RSE बराबर क्या होगा, इसको वज्र गुणा कर दें आप लोग, तो VSE RM और अपॉन में क्या आ जाएगा, VM आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि टोटल जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V बराबर क्या होगा, VM प्लस क्या होगा, VSE होगा। अब आपको काम क्या करना है, इस VSE की वैल्यू निकालनी है। तो VSE बराबर क्या होगा, V- क्या होगा, VM होगा। तो इस VSE की जगह आप लोगों को ये वैल्यू रखनी है, तो यहाँ रखें तो V-VM और यहाँ RM आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, VM। तो एक तो फार्मूला आपको ये याद रखना है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा देखो कि यहाँ से VM को कॉमन निकालो आप लोग, तो VM को बाहर निकाल दें तो ये बचेगा V/VM-1 और यहाँ आएगा RM/ जो VM था, ये तो क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो N का जो मान होगा वो टोटल करंट क्या मेजरमेंट कर रहे हो आप लोग अब और पहले कितनी करंट जा रही थी, वैसे ही यहाँ जो N का जो मान होगा जिसको आप लोग वोल्टेज गुणक बोलोगे, तो यहाँ से N-1 क्या होगा, RM होगा। तो दो तरीके आपको याद रखने हैं, या तो एग्जाम में अंदर आपको ये क्यों ऑप्शन मिल सकता है कि शंट का जो मान होगा वो क्या होगा, या आपको N-1 RM से भी कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि किसी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो उसके मान में वृद्धि होती है। जैसे मैंने 10 को अगर 2 से गुणा करूँगा तो 20 आएगा, और अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5। तो ध्यान रखना कि N-1 क्या होगा, अगर आप शंट की गणना कर रहे हो तो शंट समांतर में जुड़ेगा और उसका वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इस संख्या के अंदर N-1 होगा वो डिवाइड में आएगा, अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो ये भी आपको याद रख सकते हो इस तरीके से भी। और अगर इस में आपको बताया कि हाई मान का रेजिस्टेंस काम क्या करोगे, सीरीज में जोड़ोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो N-1 होगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ से भी आप लोग ये क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये तो था आज के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक वोल्टमीटर जो होता है उसको एम्पीयरमीटर में किस तरीके से बदल सकते हो, या एम्पीयरमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से बदल सकते हो, या इस किसी भी उपकरण जो होता है उसको एम्पीयरमीटर में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या वोल्टमीटर की तरह किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा कि एम्पीयरमीटर की परास किस तरीके से आप लोग वर्दी कर सकते हो, या वोल्टमीटर की जो रेंज होती है उसमें किस तरीके से वर्दी कर सकते हो। तो यहाँ आपको मैंने जो मेथड बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेजरमेंट के अंदर जो न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, जो एम्पीयरमीटर हो गया या वोल्टमीटर हो गया, वो यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए बीचम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।